दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये बात तो सोची होगी कि इंडियन करेंसी पर हमें गांधी जी का चित्र बहुत समय से देखने को मिल रहा है, लेकिन बात अगर कॉइंस की जाए तो वहाँ पर गांधी जी के चित्र को सबसे पहले और आखिरी बार सन 1969 में सिर्फ कुछ सिक्कों पर ही डाला गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा गांधी जी का चित्र किसी भी सिक्के पर नहीं डाला गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, एक कॉइन को बनाते समय हर देश को बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कॉइन्स की डायमीटर, प्रयोग की जाने वाली धातु और उसके ऊपर किया जाने वाली ढलाई। सभी स्थिति में इन सारी चीज़ों की कीमत को सिक्के की ओवरऑल कीमत से कम होनी चाहिए। जैसे यदि किसी देश में एक रुपये का सिक्का ढाला जा रहा है तो उसमें उपयोग की जाने वाली मेटल और ढलाई अपने आप में कीमत एक रुपये से कम होनी चाहिए। पर किसी भी स्थिति में किसी प्रसिद्ध फेस को सिक्के पर डाला जा रहा है तो उस फेस को सिक्के पर एक साफ तरीके से डालना होता है, तो इन ढलाई का खर्चा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसलिए एक रुपये और दो रुपये के कॉइन पर इस तरह की ढलाई से बचा जाता है। लेकिन 10 रुपये के सिक्के पर इस ढलाई को किया जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट में इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गांधी जी के चित्र को सिक्कों पर नहीं डाला जाता है।